हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सबियास फ्लेवर्स। चलिए आज हम बनाते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तंदूरी चिकन। ठीक है, चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स हम लोग देखते हैं आगे। तंदूरी चिकन मेरा बड़ा बड़ा पीस नहीं है, ये मेरा इतना इतना पीस है। ठीक है, ये मैंने एक मुर्गी में 12 पीस करके मैंने इतना इतना लिया है। ठीक है, मेरा बड़ा बड़ा पीस नहीं होता है, बड़े बड़े पीस में भी बनता है वो बहुत अच्छा बनता है। अभी मेरे पास ये वाले पीसेस अवेलेबल है तो फिर मैं ये ले रही हूँ। ठीक है, अब इसमें जाएगा अपना अदरक लहसुन, इसमें जाएगा हमारा 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन, और यह सरसों का तेल ले रही हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप इसको स्किप करना चाह रहे हैं तो आप आराम से इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं ले रही हूँ 3 बड़ा चम्मच ये हंक योगर्ट, मतलब इसका पूरा पानी निकाल लीजिए और बस एकदम से सॉलिड वाला योगर्ट दही ले लीजिए। ठीक है, एक नींबू ले रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ कसूरी मेथी, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी, अगर आप डालना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और मैं ले रही हूँ थोड़ा सा नटमेग पाउडर। ठीक है, और यहाँ देखिए स्पाइसेस हमारे, हल्दी हो गया, ये हो गया कश्मीरी मिर्च, ये हो गया अपनी लाल मिर्च रेगुलर वाली, ये हो गया धनिया पाउडर, ये हो गया जीरा पाउडर, ये हो गया अपना गरम मसाला। ठीक है, ये नमक हो गया, और ये तंदूरी मसाला है। तंदूरी मसाला आप कौन से भी कंपनी, कौन से भी ब्रांड का ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो फिर आप गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसको मैरिनेट। ठीक है, ये मैरिनेशन 2 स्टेज में होगा। जब भी आप चिकन बना रहे हैं, कोई भी ग्रिल चिकन हो, कोई भी चिकन 65 हो, चिकन ग्रिल हो, तो आपको 2 मैरिनेशन करना ज़रूरी है, तभी आपका चिकन टेंडर होता है, नहीं तो फिर आपका चिकन बहुत ही ज़्यादा स्टिफ होता है। तो बेहतर है कि आप जब भी कोई भी ग्रिल बन रही है तो फिर आप 2 मैरिनेशन करें। ठीक है, पहले मैरिनेशन में जाता है अपना अदरक लहसुन, ये चला गया, और नींबू जाएगा इसके अंदर। अब मैंने यहाँ पर नींबू और अदरक लहसुन दोनों को मिला लिया है। ठीक है, ये नींबू और अदरक लहसुन इसको मिक्स करके आप एटलीस्ट आप 10 to 15 मिनट्स रखिए, मिनिमम आप 15 मिनट्स रखिए। ठीक है, इसको रखना ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने अभी 30 मिनट्स के बाद अब यहाँ पर आई हूँ, अपना डाल रही हूँ सरसों वाला तेल। ठीक है, ये हो गया, और मैं यहाँ डाल रही हूँ अपना दही। ठीक है, ये देखिए मेरा दही कितना थिक है, इस तरह से आपको दही चाहिए। और ये सारे मसाले आपको डालनी है। ठीक है, ये सारे मसाले आपके डल गए इसके अंदर, और मैं थोड़ा सा नटमेग पाउडर डाल रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितना डाल रही हूँ नटमेग पाउडर, बस थोड़ा सा नटमेग पाउडर चला गया है, मतलब 1/4 टीस्पून ऑफ नटमेग पाउडर आपको डालना है। और यहाँ देखिए मैं कसूरी मेथी ले रही हूँ, बस इतनी सी आपको कसूरी मेथी क्रश करना है और बस इसमें डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको अच्छे से मैरिनेट करिए, अच्छे से मिक्सिंग करिए, तब आपको इसकी कंसिस्टेंसी समझ में आएगी। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से मिक्स करिए। ये देखिए मैंने यहाँ अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको रखूँगी एटलीस्ट 30 मिनट तक, उसके बाद हम लोग ग्रिल करते हैं। ठीक है, इस बार मैं ग्रिल करूँगी पैन में। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने ग्रिल किया था अवन में, इस बार मैं ग्रिल करूँगी पैन में। ठीक है, इंशाल्लाह 30 मिनट्स के बाद मिलते हैं। देखिए अब मेरा यहाँ चिकन एकदम से मैरिनेट हो चुका है अराउंड लाइक 30 मिनट्स। ठीक है, अब हम इसको करते हैं फ्राई। ठीक है, फ्राई नहीं करना है, इसको ग्रिल करना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ले लिया है यहाँ पर पैन, अब यहाँ पर हमने ग्रिल करेंगे। इस पे डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, आप नॉर्मल ऑयल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। अब यहाँ मैं यहाँ पर चिकन डाल रही हूँ। अब आप लोग देखिए यहाँ पर मैंने सारा अपना चिकन डाल दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल के 1 टेबल स्पून ऑयल मैंने डाला है, उसके बाद मैंने चिकन डाल दिया है। अब इसको कवर मत करिए, अगर आप इस पर कवर करेंगे तो ये बन जाएगा अपनी करी, अपना सालन बन जाएगा, तो आप इस पर कवर मत करिए। इसको मीडियम फ्लेम पर आप 10 मिनट एक साइड, 10 मिनट एक साइड, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बटर कर लगा देंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगी, ये हो गया मेरा फर्स्ट साइड, फिर मैं 10 मिनट के बाद इसको फ्लिप करूँगी, फिर मैं 10 मिनट्स रखूँगी, फिर उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ मैं धीरे धीरे से, यहाँ मेरा चिकन थोड़ा ग्रिल हुआ है, अब मैं इसको फ्लिप करूँगी। ये देखिए ज़्यादा तेज़
फ्लेम पर भी अगर आप इसको करेंगे तब ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और अंदर वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये देखिए अब इस साइड भी हम लोग 10 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है, मैंने इस पे कवर नहीं लगाया है, अगर कवर लगाएंगे तो पूरा पानी छोड़ देगा और ये जाके बन जाएगा अपना सालन जैसे मैंने बताया था, तो इसको बिना कवर के ही आप पकाइए। ठीक है, ये देखिए मैं एक और बार इस पर फ्लिप कर दी हूँ, मैंने इसको दो तीन बार ऊपर नीचे फ्लिप किया है। ये देखिए इस कलर का हुआ है अभी, और थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा और डार्क ब्राउन हो जाए और मसाला पूरा सूख जाए, देन हम इसको बटर लगाते हैं। ओके, अब देखिए मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ, वाओ आ गया ना कलर। ठीक है, अब इस पे हम लोग थोड़ा थोड़ा बटर लगाते हैं। ओके, ये देखिए मैंने 3 क्यूब्स ऑफ बटर लिया है और इसको इसमें डाल दिया है। ठीक है, ये लास्ट में टॉसिंग बटर वाली, ये ऑप्शनल है, ये आप डालेंगे ना तो बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। ठीक है, ये जब मेल्ट हो जाएगी और आप इसको घुमा दिया, आप ऐसा भी कर सकते हैं, बटर मेल्ट कर लीजिए और इसके ऊपर ब्रश करिए। ठीक है, जब आप इसके ऊपर ब्रश करेंगे एक 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 तो और भी ज़बरदस्त सा लगेगा। ये देखिए हमारा तंदूरी चिकन तैयार है। आप चाहे तो इसको, अगर आपके पास कोयला है तो छोटी कटोरी में आप कोयला रखकर इसमें डाल के रख दीजिए और बस इसको ढक दीजिए। देखिए इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ना, वो चारकोल वाला बहुत मज़ा आएगा। मेरे पास क्योंकि चारकोल कोयला नहीं है तो फिर मैं नहीं कर पा रही हूँ, ना तो मैं आप लोग को वो भी करके दिखाती थी। कैसा लग रहा है बताइए, टेम्पटिंग लग रहा है ना। ये देखिए तैयार है, अब मैं करूँगी इसको सर्व, मैं आप लोग को सर्व करके भी दिखाऊँगी। ठीक है, चलिए मैं बंद कर दूँगी अपना स्टव, अब मैं सर्व करूँगी। ये देखिए मैंने अपना तंदूरी चिकन सर्व कर लिया है, अभी आप लोग एंजॉय करिए। ठीक है, इस पे आप नींबू डालिए, चाट मसाला डालिए, जैसा खाना है आपकी मर्ज़ी। ठीक है, ये देखिए लग रहा है ना टेम्प्टिंग। चलिए आप लोग भी बनाइए, एंजॉय करिए, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। चलिए अल्लाह हाफिज़।